चुनावी घमासान, चुनावी हलचल, चुनावी रणनीतियां और एक तरफ चुनावी दौर, लेकिन उसके बीच में आया चुनावी खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ वागीशा और आज हम आपको ले चलते हैं भोपाल संसदीय सीट में, जहां एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ और एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ। जी, आज हम बात कर रहे हैं भोपाल की कि कांग्रेस की तरफ से किसे चुना गया और बीजेपी की तरफ से संसदीय सीट और सांसद के लिए किसे चुना गया। जी, आज हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, जो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है। मतलब दोनों पार्टियां में दोनों पूर्व मंत्री एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को आप जानते हैं, उन्होंने भी कहा, मैंने उन्हें ये निवेदन किया था कि आप इतने साल अध्यक्ष मेरे ग्रुप में डाल और मेरे पास कहेंगे कि मैं राहुलगढ़ से लड़ूंगा, तो ये बात जस्टी नहीं है। तो मैंने चॉइस दी कि आप भोपाल से लड़ लो, इंदौर से लड़ लो, जबलपुर से लड़ लो, सामने से। तो मैंने उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ मैं चुनाव लड़ता ही नहीं हूँ, पहले ही सब बातें करें। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि आप ही तय कर लो, आप ही तय कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तय कर लिया, मैं रिकॉर्ड कर लेंगे, मैं तो दिख रही थी, तो ओपन बात है, इसमें कोई छिपी बात नहीं है। कि तो उन्होंने कहा आप मुझे बता दीजिए, मैंने कहा भोपाल से कर लो, भोपाल से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने तय कर लिया, तो आप लोगों को भी अच्छा उम्मीदवार मिला है, मुझे पूरा विश्वास है। सेरेमोनियल बैंड होता है, आप देखते हैं कहीं फॉर्मल फंक्शन में सेरेमोनियल बैंड नहीं होता। मैं बैंड में ज्यादा समय इसीलिए ले रहा हूँ, मेरी कला है, आप किसी बैंड वाले से पूछे मेरा बात क्या करना है, तो मेरा बात नहीं पड़ेगा, मैं तो इसी जीवित रहना चाहता हूं। जब मेरा मजाक उड़ाया कि पर मेरा लक्ष्य हमें जीवित रखना है उस कला को, और इस कला को जीवित रखने के लिए अगर हम ट्रेन कर सकते, क्यों आज हमारा नहीं हो, हमारे मध्य प्रदेश की शान क्यों ना हो। सेरेमोनियल बैंड होता है, देखते हैं फॉर्मल फंक्शन में सेरेमोनियल बैंड नहीं होता। मैं बैंड में ज्यादा समय इसीलिए ले रहा हूँ, मेरा बहुत भला पड़ा है, ये तो एक ही बैंक है, दूसरों का बैंक में बजाऊ। ये बन गई खबर। तो इस तरह हमारे जो आरक्षण है, आरक्षण के मैंने कहा ये सब तरह तरह की बातें बनते थे, पंद्रह साल अरे का मैं कितने प्रदेशों में, कितने प्रदेशों में है कि ये 27 प्रतिशत, और ये कहते हैं अगर हमें टैग दे 50 प्रतिशत पंचायत कर दिया, वो तो पंचायत दे 50 प्रतिशत, तो हम भी लगा सकते। और इसमें जरूर जबलपुर आए वो भी सीट दिया, केवल मेडिकल एडमिशन की क्योंकि उनकी ऊंचा गई थी, पर इसकी भी हम लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है इसमें सफल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सामाजिक न्याय की एक जो लोगों में भावना उत्पन्न हुई है, ये मेरे 40 साल राजनीति में मुझे इंटरेस्ट है, और मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है जहां कहीं मैं 100 करोड़ रुपए लगा रहा हूं, मैं 1000 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी चीज है कि मध्य प्रदेश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी लगभग 50% अर्थव्यवस्था इस आउटसाइड और मार्केट पर, जिससे आर्थिक गतिविधि बनती है, जिसका अभी छोटे किराने की दुकान है उसका कोई फिगर जीडीपी में नहीं आता, वो मार्केट इकोनॉमी में नहीं गिना जाता, पर उससे जो आर्थिक गतिविधि बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे बड़ी चीज है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कैसे बढ़ाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जब
आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया जब मैंने कहा कि मैं बैंड की ट्रेनिंग करूंगा। क्यों? सातवीं पास आठवीं पास लो, मुझे तो जहां रोजगार का व्यवसाय का मौका मिल जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मैं वो करूंगा। मैंने कहा मैं किसी को कहूंगा वो असली उसकी मैंने कहा मैं छिपा। रोज आप देखते हैं सड़कों में बाजार घूम रहा है, शादी भी होता है, सेरेमोनियल बैंक इसमें सातवीं आठवीं क्लास पास, सातवीं आठवीं क्लास पास होते हैं, सबसे गरीब होते हैं आप देखते हैं। और इसका कैपिटल कॉस्ट क्या है? 1 लाख रुपए, डॉलर हो गई, ड्रम हो गया, ट्रम्पेट हो गया, क्या कैपिटल कॉस्ट? सबसे लो कैपिटल कॉस्ट में हम लाखों को इसमें दे सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का हमारे मध्य प्रदेश की ये भी कला है, ये भी कला है। आप किसी बैंक वाले से पूछे तेरा बाप क्या करता है, वो कहता मेरा बाप नहीं पढ़ता, मैं तो इसलिए जीवित रहता हूँ। जब तक मेरा मजाक उड़ाया पर मेरा लक्ष्य हमें जीवित रखना है उस कला को, और इस कला को जीवित रखने के लिए अगर हम ट्रेन कर सकते क्यों आज हमारा नहीं हो, हमारे मध्य प्रदेश की शान क्यों ना हो। सेरेमोनियल बैंड होता है आप देखते हैं, फॉर्मल फंक्शन में सेरेमोनियल बैंड नहीं होता। मैं बैंड में ज़्यादा समय इसीलिए ले रहा हूँ मेरा बहुत भला पड़ा है। पर ये तो एक ही बैंड है, दूसरों का बैंड भी मैं बजाऊंगा। अब देखना यह है कि कौन जीतता है भोपाल से। तो ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए ghamasan.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।